शिवानी बंसल जी, क्षेत्रीय पार्षद तरुण धीमान जी, यहाँ के बूथ अध्यक्ष आकाश कृषाली जी, अमित फरासी जी, शक्ति केंद्र प्रमुख संजीत बंसल जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री सौरभ थपलियाल जी, हमारे यहाँ के युवा नेता श्री अनु चौधरी जी, संचालक चाणक्य डिफेंस कॉलेज एवं पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु आए हुए, सभी मेरे इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकगण, सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और नौजवान साथी, हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सुने जाने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात के इस एपिसोड को आप सब लोगों ने बहुत ही ध्यान से यहां पर सुना है। मैं देख रहा था कि जब प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे थे तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट यहां पर था। इतने ध्यान से आपने मन के एपिसोड को सुना, इसको सुनने के लिए मैं अपनी तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो ओजस्वी विचार हैं, उन ओजस्वी विचारों को सुना और आपने देखा किस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग प्रकार से मन की बात में अनेक विषयों को हमारे सामने रखा। आगे हमारे नौजवानों के लिए उन्होंने, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके लिए भी संदेश दिया कि लोकतंत्र के महायज्ञ में अपना योगदान देना है। पहली बार वोट करने वालों को बड़ी संख्या में वोट देने के लिए अपनी आहुति देनी है, अपना योगदान देना है, अपने को सम्मिलित करना है। उसी प्रकार से अलग अलग लोगों के द्वारा हर एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को आगे लाने का काम किया है जिससे समाज में काम करने वाले लोगों का प्रोत्साहन हो। लगातार जो लोग किसी न किसी क्षेत्र में बहुत विशिष्टता से काम कर रहे हैं उनका मिले और उनके प्रोत्साहन के कारण से जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य बढ़े, उनका हर प्रकार से मनोबल बढ़े, ऐसा प्रयास किया है। भाई बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओजस्वी विचारों से और लोगों को बहुत दिल के छूने का काम किया है, उन्होंने हमेशा हृदय स्पर्श। आज हम सब भी इस बहुत ही कार्यक्रम, इसका नाम तो मन की बात है, लेकिन ये मन की बात नहीं बल्कि ये देश के जन जन की बात है, देश के की बात है, मां भारती के, मां भगवान की बात है, भारत के सम्मान की बात है, विश्व के अंदर भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने हैं, जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इस एपिसोड पर, प्रत्येक एपिसोड में इन पर लोगों को बताया गया। एक विचार किस प्रकार से सामाजिक सरोकारों आधार बन जाता है, किस प्रकार से पूरे समाज को प्रेरित करने का करता है, मन की बात एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भी विषयों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है, सभी जन जागरण के लिए एक सशक्त माध्यम बने हैं और हमारे देश के नागरिकों पर, जिन लोगों ने भी मन की बात को सुना है, एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का उनके अंदर प्रभाव हुआ है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी है, हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की शक्ति बढ़ी है,
हमारे उत्तराखंड के भी अनेक जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, हमारी महान विभूतियां हैं, हमारे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर हैं, उन सभी को इन कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक कार्यक्रम में उनको कहीं ना कहीं सम्मिलित करने का काम किया है। इस कार्यक्रम में स्थान मिलने के बाद हमारे लोक संगीत, हमारी लोक संस्कृति से पूरे विश्व के लोग परिचित हुए हैं। मैं उत्तराखंड वासियों की तरफ से भी, आप सब की तरफ से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अधिकांश किसी न किसी एपिसोड में हमारे उत्तराखंड के किसी न किसी स्थान को, किसी न किसी लोक संगीत को, किसी न किसी लोक संस्कृति को, यहाँ के बनने वाले उत्पादों को, यहाँ की विशेषता को अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित किया है। हम सब जो टोपी पहनते हैं वो पीछे हमारे बीच में टोपी पहन रखी है, वो पीछे, हाँ ये आपने भी पहन रखी है, हाथ उठाइए, ये टोपी भी ये हमारे यहाँ की पहचान बन गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को मन के 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये टोपी पहनकर उन्होंने उस दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था, दुनिया को संबोधित किया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो उन्होंने किए हैं और इसके जरिए उन्होंने लोगों का भरोसा जीता है। और ये भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपने आप नहीं आता है, इसे कमाना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। और मोदी जी ने आज देश का दिल तो जीता ही है, दुनिया का भी दिल जीता है। आप देखिए कि जितने भी उनके जितने भी देश के दुनिया के सर्वे आ रहे हैं, उन सारे सर्वे में प्रधानमंत्री जी की रेटिंग विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की आ रही है, हर एक एपिसोड में, हर एक सर्वे में। और उसी भरोसे का प्रतिफल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार भी देश के अंदर लगातार बेहतर कार्य कर रही है। एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है, काम करने का तौर तरीका बदला है, परफेक्शन आया है, हर चीज में पारदर्शिता आई है। जो बच्चे पहली बार 18 साल के हो रहे हैं, पहली बार जब वो वोट करने जाएंगे तो उन्होंने देखा नहीं होगा कि 2004 से लेकर 2014 तक कौन सी सरकार थी, उस समय वो नहीं इन चीजों को समझ पाते होंगे क्योंकि बहुत छोटे रहे होंगे। और 2004 में पैदा होने वाले बच्चे तो वैसे भी जो है उन्होंने नहीं देखा होगा, जो 18 साल के आज हो रहे हैं, पहली बार मत का प्रयोग करने वाले हैं कि उस समय की सरकार किस प्रकार से घोटाला करती थी, किस प्रकार से लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम करती थी, तमाम प्रकार से लोगों के बीच में दरार डालने का काम करती थी, देश किस कार्य संस्कृति से गुजर रहा था, घपलों घोटालों को देश के नाम से हम जाने जाने लगे थे, सड़कों की स्थिति क्या थी, देश के अंदर जो आज अच्छे अच्छे हाईवे बन गए हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं बन गई हैं, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अच्छे अच्छे आज एजुकेशन के फील्ड में, तमाम सारे नए जो काम आज हम सबके सामने हैं, तो वो नई पीढ़ी के सामने उस समय की स्थिति नहीं है। तब का भारत कैसा था, आज का भारत कैसा है, 2014 के भारत से जब हम तुलना करते हैं 2024 के भारत की, तो अंतर साफ दिखाई देता है कि इन 10 सालों में किस तेजी से हम आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, अगर मैं मोदी जी की सरकार की बात करूं तो उनके सरकार ने सर्वांगीण और समावेशी जो विकास है हर क्षेत्र में किया है। 2014 से पहले जहां हमारे देश के गरीब को अन्न के एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता था, जब देश आजाद हुआ था तो 36 करोड़ उस समय देश की आबादी हुआ करती थी, और 36 करोड़ आबादी का भी एक बड़ा हिस्सा भरपेट भोजन नहीं पाता था, अन्न के लिए तरसता था। आज देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 साल से लगातार निःशुल्क अनाज देने की प्रक्रिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी अनवरत रूप से चल रही है। आप सबको पता है कोरोना महामारी में ये योजना शुरू हुई थी, वैक्सीन निःशुल्क रूप से देने का काम हुआ था, वैक्सीन पूरे देशवासियों को एक डोज, दो डोज, तीन तीन डोजें निःशुल्क लगाई गई थी। इसी के साथ
पूरी दुनिया को भी, दुनिया के अन्य देशों को, 100 से भी अधिक देशों को वैक्सीन देने का काम हुआ था। आज पूरे विश्व के अंदर जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हम कहते थे, हमारी संस्कृति कहती थी कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, हम तो समस्त संसार की चिंता करते हैं। अयम निजम प्रवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तुम कुटुंबकम। तो इस धारणा को मानने वाले, इसको धारणा को चरितार्थ करने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया। 2014 के बाद दिव्यांगजनों को सशक्त बनाया गया है। करीब 50 करोड़ जनधन के नए खाते खोले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग चार करोड़ मकान बनाए गए। और इन 4 करोड़ मकानों में भी आप अभी देख रहे थे कि कल्याणी जी और सुनीता जी, दो बहनें इसमें दिखाई दे रही थी, ड्रोन दीदी और अलग प्रकार से जो जैविक खेती के क्षेत्र में काम कर रही थी, एक ड्रोन दीदी के क्षेत्र में काम कर रही है, लखपति बनाने का जो काम हो रहा है। तो ये सारा का सारा अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्राथमिकता में रहा है, उसमें मातृशक्ति का सशक्तिकरण बहुत बड़ी उनकी एक संकल्प रहा है। उसी का कारण है कि आज देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया और देश के अंदर 33% आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित हो गया। लखपति दीदी बनने के मार्ग तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का पहले केंद्र की सरकार ने लक्ष्य लिया था, अब उसमें 1 करोड़ और ऐड कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास की संख्या भी 2 करोड़ बढ़ा दी गई है। हर क्षेत्र में आज जो हमारी मातृशक्ति है उसको आगे लाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या हर घर नल से जल जीवन मिशन के तहत सबको स्वच्छ जल देने का काम हो, आज हर क्षेत्र में काम हो रहा है। किसान सम्मान निधि 2019 से लगातार दिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना भी सरकार लेके आई है। 2014 के बाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 11,72,00,000 इज्जत घर बनाए गए हैं और 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला के कनेक्शन निःशुल्क दिए गए हैं। इसके अलावा अभी हम सब देख रहे हैं हमारे नौजवानों के लिए, हम प्रदेश के अंदर भी उसको बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार जो भर्तियां हो रही हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन हम लोग नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित करने का समारोह न करते हों, अपने भाई बहनों को बुलाकर उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं और उनके आगे के लिए कहीं ना कहीं उनका हम सोचते हैं कि हमारी तरफ से प्रोत्साहन है। इस कड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 10,00,000 लोगों को नियुक्ति देने का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना में 10 करोड़ परिवारों को 5,00,000 रुपए का बीमा देश के अंदर हुआ है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने 55,00,000 लोगों के यहाँ पर अभी तक कार्ड बना दिए हैं। देश के अंदर आज शांति हो रही है। पहले देखिए, होली होती थी, दिवाली होती थी, दशहरा आता था, कोई भी कार्यक्रम आता था तो अलर्ट जारी हो जाता था। पहले ही कहते थे ना कि अरे अभी दिल्ली मत जाओ, अभी मुंबई मत जाओ, अभी बड़े स्टेशन से मत गुजरो, ऐसा कहते थे रोहिला जी। क्यों कहते थे? कहते थे कहीं बम विस्फोट ना हो जाए, कोई आतंकवादी घटना ना हो जाए, कोई वारदात ना हो जाए, कहीं हमला ना हो जाए। लेकिन इन सब पर पूरी तरह से विराम लगाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और हम सब लोगों ने देखा अभी कुछ ही दिनों पहले 22 जनवरी को हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का वहां पर जो है प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में महाकाल लोक बन गया, उत्तराखंड में बाबा केदार का पुनर्निर्माण और नवनिर्माण तेजी से आगे बढ़ गया। बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान पर काम तेजी से हो गया। हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया। केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया। और जहां पूरा केदारखंड 4 धाम तेजी से आगे बढ़ रहा है, सड़कों के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, हवाई सुविधाओं के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहीं मानस खंड में भी भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते से पहले भारत के
आदि कैलाश का भी दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया और पूरी दुनिया का ध्यान आदि कैलाश पार्वती कुंड की तरफ चला गया। पूरी दुनिया के लोगों का आकर्षण आने की जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोग आज उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। तमाम सुविधाएं बनाने का काम वहां पर अब हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बात, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने देहरादून में जब वो आए थे, हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट किया, आपने देखा देहरादून तेजी से बदला है। और ये ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट हमारे राज्य के लिए एक बड़ी आगे के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इसकी शुरुआत हुई है 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के अभी MOU हमारे साथ लोगों ने किए हैं। 50 से भी दुनिया के अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने अपना उद्योग लगाने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, अपना निवेश करने के लिए उत्तराखंड की ओर रुख किया है। और ये इसके पीछे भी हमारा हेतु था कि लोग आए यहाँ पर, उद्योग लगाएं, हमारे नौजवानों को, हमारे भाई बहनों को जिन्होंने अपनी तमाम स्किल प्राप्त की हैं, तमाम प्रशिक्षण लिए हैं, उनको अपने घर के पास रोजगार का अवसर मिले, उनको स्वरोजगार का अवसर मिले, उनकी आजीविका बढ़े, राज्य की आर्थिकी बढ़े। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी देश दुनिया के लोगों से आह्वान किया। पहले आप देखते एक प्रचलन देश के अंदर बन गया कि सामर्थ्यवान है, पैसा है तो विवाह करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, कोई थाईलैंड जाएगा, कोई हांगकांग जाएगा, कोई हरी जगह जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अपने घर के मंगल कार्य करने के लिए, वैवाहिक कार्यक्रम करने के लिए पूरे भारत में सबसे उपयुक्त स्थान कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। वेडिंग डेस्टिनेशन भी उन्होंने हमको दिया है, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि लोग आएंगे यहाँ पर, हम उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे स्थान हमारे यहाँ पहले से भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग अपने मंगल कार्यों के लिए उत्तराखंड आएंगे। क्योंकि उन्होंने तब कहा कि ईश्वर के नज़दीक, भगवान के नज़दीक अगर कोई स्थान है तो देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ के हम सब लोग रहने वाले हैं। इसी प्रकार से देश के अंदर 3 तलाक समाप्त हुआ, अनुच्छेद 370 कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई। 3 तलाक के समाप्त होने के बाद 82% जो ऐसे मामले थे 3 तलाक के कारण से जो परेशानियां मुस्लिम बहनों को होती थी उसमें कमी आई है। इसके अलावा 34 साल पुरानी शिक्षा नीति बदली गई, कश्मीर में घुसपैठ की जो घटनाएं होती थी उनमें कमी आई है। हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक और जहां उत्तराखंड में हमारे भाई बहनों के लिए, उन माता पिता के बेटे और बेटियों के लिए जो बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, बहुत सीमित संसाधनों में माता पिता उनको पढ़ाने के लिए भेजते थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, क्योंकि नंबर उनका आ जाता था जो नकल माफियाओं के साथ इस खेल में शामिल होते थे। भाई बहनों, हमने इस नकल के खेल को, इस नकल के अपराध को समाप्त करने का काम उत्तराखंड में किया है और देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनाया है। उसका परिणाम है कि आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पहले किसी भी परीक्षा में उनका नाम नहीं आ रहा था, कहीं चयन नहीं होता था, लेकिन ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक परीक्षा में पास होते हैं, एक भर्ती परीक्षा होती है, किसी का एग्जाम होता है उसमें पास हो जाते हैं, फिर अगले में भी पास हो जाते हैं, फिर तीसरे में भी, फिर चौथे में भी, और कुछ तो